हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर 4 हाउ क्लेवर इज कंप्लीटेड इन कोर्स बुक, प्रैक्टिस बुक एंड नोटबुक आल्सो. एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर रिवीजन असाइनमेंट 4 इन योर नोटबुक. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. If anyone hasn't complete their work till now, अगर किसी बच्चे ने अभी तक अपना work complete नहीं किया है English reader की book में, तो it's my request to all of you, please complete your work and because I will take a surprise test anytime. आपका कभी भी कोई भी surprise test हो सकता है. So it's my request to all of you, आप सभी से मेरी request है कि वीडियोस की हेल्प से अपना वर्क कंप्लीट करें. और जो बच्चे न्यू एडमिशन लिया है, जिन्होंने जिनके पास पिछला वर्क नहीं है, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप में जो लिंक आते हैं, उन लिंक को जब आप ओपन करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको टीचर्स के, हर सब्जेक्ट के टीचर्स के सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे. आप बहुत आसानी से अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हो. Okay, so your chapter 4 is completed and now I am going to start your chapter 5. It's raining in Agumbe. As you know, this is these are the months of rainy season. ये आपके rainy season के months हैं. जैसे आपका है June, July, August. तो this is the month of July and it is also the month of rain. ये बारिश का महीना कहा जाता है. and your chapter is also depend on rain. आपका ये chapter भी rain पर ही depend है. but it in this chapter you will read about a village Agumbe in Karnataka. आप इस chapter में एक गांव है Agumbe कर्नाटका में, उसके बारे में पढ़ेंगे. And it's a very interesting chapter. So let's start. Agumbe is a small village in Karnataka. Agumbe, Karnataka में एक छोटा सा गांव है. It is in the hills of western ghats. और ये western घाट के की पहाड़ियों पर बसा हुआ है. And often called चेरापूंजी of south India. और इसे south India यानी दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहा जाता है. चेरापूंजी इज़ अ प्लेस इन मेघालय. मेघालय में चेरापूंजी एक जगह है जहाँ पर पूरे टाइम, मतलब पूरे साल बारिश होती रहती है. और सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र माना जगह मानी जाती है. तो Agumbe इज कॉल्ड द चेरापूंजी ऑफ साउथ इंडिया. दिस प्लेस इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी. ये जगह अपनी सुंदरता के लिए, थिक फॉरेस्ट घने जंगलों के लिए, एनिमल्स एंड रेयर प्लांट्स जानवरों के लिए, और रेयर प्लांट्स जो अद्भुत जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए जानी जाती है. Agumbe रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन इज़ ए फील्ड बेस्ड कंजर्वेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. Agumbe रेन फॉरेस्ट रिसर्च स्टेशन फील्ड बेस्ड यानी फील्ड यानी मैदानों पर आधारित एक कंजर्वेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका ARRS. द प्लेस अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट. ये प्लेस बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, एज वेल एज साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स. इसके साथ साथ टूरिस्ट के साथ साथ ये वैज्ञानिकों को और शोधकर्ताओं को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है. नाउ माधव, देयर आर टू फ्रेंड्स, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर विलेज. माधव, हाय गीता, वेट फॉर मी, स्टॉप वॉकिंग सो फास्ट. माधव कहता है गीता से, हाय गीता, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो और इतनी तेज चलना, इतनी स्टॉप वॉकिंग सो फास्ट, इतनी तेज चलना मतलब रोक दो, इतनी तेज मत चलो. गीता, हरी अप माधव, आई वॉन्ट टू रीच स्कूल एज फास्ट एज पॉसिबल. गीता कहती है, माधव जल्दी करो, मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती हूं. माधव, वाई, क्यों, इट्स क्वाइट अर्ली, हम तो वैसे भी जल्दी हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच स्कूल. हमारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है. लेट्स इन्जॉय द कूल एंड क्लाउडी वेदर. ये ठंडा और जो बादलों वाला मौसम है, इसको इन्जॉय करने दो. गीता, लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स. देखो उन घने बादलों को, काले बादलों को. आई होप इट डज नॉट रेन. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बारिश ना होने लगे.
माधव, ऑफ कोर्स इट विल रेन। माधव कहता है बिल्कुल बारिश तो होगी। वी विल इन अगुम्बे, हम अगुम्बे में रहते हैं। गीता, आई हैव फॉरगेटन टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला, मैं अपना अम्ब्रेला लाना भूल गई हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट वेट, और मैं भीगना नहीं चाहती। माधव, हाउ कैन यू फॉरगेट टू ब्रिंग एन अम्ब्रेला इन अगुम्बे। माधव कहता है तुम अगुम्बे में अम्ब्रेला लाना कैसे भूल सकती हो। इट इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का सबसे गीला क्षेत्र है। ऑन टॉप ऑफ दैट इट इज़ द मानसून सीजन, और उसके ऊपर भी ये मानसून का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, तो तुम अम्ब्रेला कैसे भूल सकती हो। स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन योर रेस्ट चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स माई अगेन रिक्वेस्ट टू यू, फर्स्ट यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस पेज, यू विल रीड दिस पेज एंड आफ्टर दैट यू विल रीड द होल चैप्टर योर सेल्फ एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट योर सेल्फ। अपने आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।